हे एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप तुम सब बढ़िया होगे। और जो आज का व्लॉग है उसका टॉपिक और टाइटल तो तुमने पढ़ लिया होगा बाहर, ये डाइट के ऊपर है। और रही बात मेरी आंखों की, तो वो थोड़ी सूजी लग गई है जस्ट कॉज ऑफ मैं सोकर उठाऊँ। यार बहुत थक गया था इसलिए सोना पड़ा। तो सुबह सुबह उठ जाता हूँ मैं तो उसमें बहुत सारा काम होता है तो उस रेस्ट ले लेता हूँ। उसके बाद मुझे और काम है तो इसलिए मेरा थोड़ा सा टाइम है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को देखना ज़रूर एंड तक देखना, आई होप तुम्हारे काम आएगी। एंड अगर काम आती है तो आगे भी शेयर करना और इन्फॉर्मेटिव रखती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी न्यू क्वेरीज लिख के भेजना ताकि मैं उस पर न्यू वीडियो बना सकूँ। क्योंकि ये वाली क्वेरी मेरे लास्ट वीडियो पर एक आई थिंक एक सब्सक्राइबर ने लिखा था तो इसके ऊपर है। और वीडियो है डाइट के ऊपर प्रॉपर कि हाँ भाई वेज डाइट हो या फिर नॉन वेज डाइट हो तो मैं क्या खाना चाहिए वेट गेन के लिए बेसिकली। तो यार ये स्टैंड ना ख़राब हो चुका है, शिट मार। वेट गेन के लिए बेसिकली अब देखो पॉइंट पे आते हैं। वेट गेन के लिए अगर तुम्हें डाइट चाहिए सपोज़ तो पूरी डाइट तो मैं अगर लेके बैठ जाऊँगा बनाने के लिए तुम्हारे लिए तो 10-15 मिनट तुम्हारे ख़राब और मेरे बोलने का ले मेरा टाइम चला जाएगा लिटरली। तो मैक्रो मिक्रोस में मैं आऊँगा न्यूज़ पे, वो बहुत टाइम खाएंगे। इन शॉर्ट आई एम गोना टेल यू कि भाई अगर तुम वेजिटेरियन हो और अगर तुम अंडा नहीं खाते जो कि वेजिटेरियन होते हैं तो आप अब देखो अब ऐसा नहीं स्प्रेड सेम हो सकती है क्योंकि मेरे को पर्सनली ब्रोकली नहीं पसंद। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भी किसी को करेली नहीं पसंद, किसी को बैंगन नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो ऐसे मैं डाइट दूँगा उठाकर तो तुम्हारे बस की वो खाना नहीं है ना ही मेरी बस की वो बताना है। ये फ्रैंक रही बात डाइट की तो अभी यह काम है। तुम अगर चावल खाते हो या फिर आलू खाते हो, स्वीट पोटैटो हो गए, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो बेसिकली जितना हो गए हाँ भाई चलो दोपहर में चावल खा लिए और आलू ले लिए, उबले हुए आलू हो गए दही के साथ नमक के साथ, और आपका जो नॉर्मल खाना होता है दाल हो गई, दाल खाया करो भाई। हफ्ते में 3 बार दाल खाओ, 3 बार परफेक्ट है। और वाटर लेवल अपना अच्छा रखो ताकि जो प्रोटीन आपके अंदर जा रहा है वो डाइजेस्ट हो सके प्रॉपर तरीके से। और रही बात अगर थोड़ा टेस्टी खाना है, अपने भी सबको पसंद होगा हलवा का, आप खा सकते हो। तो बहुत उसमें बहुत कैलरीज होती है भाई, बहुत ज़्यादा कैलरीज होती है, बाप होता है कैलरीज का। और सप्लीमेंट्स ले सकते हो जो भी आपके मिलते हैं, गेनर्स हो गए, प्रोटीन हो गए आपकी, बस क्रिटीन रिटीन मैं भी नहीं बोलूँगा जिस कॉज ऑफ गर्मियाँ बहुत है, बहुत पानी होल्ड करना पड़ेगा, उतना पानी शायद तुम ना पी पाओ। और अगर पी रहे हो तो अच्छी बात है, तुम अपने ट्रेनर से अपने जो भी आपके बड़े हैं उनसे लेकर अपने एडवाइस ले सकते हो। एंड अब आते हैं नॉन वेज बंदों पे। बाकी वेज वालों के लिए भाई प्लीज़ डू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल टेल यू कि क्या है क्या नहीं। और नॉन वेज वालों के लिए भाई तुम तो थोड़े अंडे कम कर दो, चिकन क्वांटिटी अगर लेते हो दिन में 500 ग्राम तो वही 250-250 ग्राम कर दो, उसको बांट दो आधी दोपहर को आधी रात को। और उसके बाद तुम्हारे लिए तो क्या ही है भाई, तुम सब खा लेते हो यार। आई एम ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन भाई, सब खा लेता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उबला हुआ चिकन हो गए जिनके 5-6 अंडे हो गए, उसके बाद सुबह सुबह भाई तुम प्री वर्कआउट मील में अंडे लो, सपोज़ 2-3 अंडे प्री वर्कआउट मील में अंडे ले लिए ठीक है। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मील में ले लो 2-3 अंडे, मतलब भाई दिन के 5 अंडे कर लो, 5-6 अंडे कर लो। फिर दोपहर में प्रोटीन ले लिया, उसके बाद दोपहर में सॉरी शाम को प्रोटीन ले लिया, दोपहर में चिकन ले लिया बॉइल्ड अपना 250 ग्राम चिकन, फिर शाम को 250 ग्राम चिकन ले लिया, उसके 1-2 घंटे बाद आराम से तुमने प्रोटीन ले लिया, फिर खाने का टाइम हो जाएगा रात का। अच्छे भाई अपनी ये मील रखो, बाकी कोई दिक्कत हो जस्ट डू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, बाकी मैं तुमको ठीक से भी बताऊँगा नॉन वेजिटेरियन वाले बंदों के लिए। और वेजिटेरियन वाले बंदों के लिए भाई तुम सब्जियाँ खाओ, मज़ा आता है, नींबू डाल के नमक डाल के सब्जियाँ खाओ बेस्ट। मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं बनी है, अगर बनी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसी लगी वीडियो, गाली मत बकना बस गंदी बात। और काफ़ी क्वेरीज भेज दो मेरे को यार, मैं कन्फ्यूज हूँ इस टाइम पर कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। और रही बात अगले वीडियो की तो जल्दी आएगी आई होप सो, तब तक ले सी टाटा बाय।